हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह तो हम सब जानते हैं। उससे घूमने से ही रात दिन संभव होते हैं और हमारा हर रोज का जीवन चक्र चलता है। पृथ्वी के साथ साथ हम भी घूमते हैं, लेकिन क्या होगा अगर पृथ्वी अचानक ही घूमना बंद कर दे। पृथ्वी का घूमना बंद होने से सबसे पहले तो आपका वजन बढ़ जाएगा। हमारे ग्रह का घूमना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वह आपको अपने जीवन को जीने के लिए समय दे रही है। पृथ्वी की सतह की भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सब कुछ प्रति सेकंड 465 मीटर की तेज़ी से घूमता है, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ जाएंगे तो आपको इक्वेटर के जितना नहीं घूमना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप हवा में सीधा ऊपर कूदते हैं तो पृथ्वी अपनी जगह से आगे नहीं खिसक जाएगी, क्योंकि तब आप भी उसके साथ घूमना जारी रखेंगे। इसलिए अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यह स्थिति बहुत ही भयानक होगी। सभी चीज़ें जो पृथ्वी नहीं है, जो पृथ्वी से मजबूती से जुड़ी नहीं है और जो ध्रुवीय प्रदेशों पर सुरक्षित नहीं है, वे सब पृथ्वी के स्थित हो जाने के बाद भी उसी गति से अपना मोशन जारी रखेगी। वह सभी चीज़ें 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में पश्चिम दिशा की तरफ उड़ जाएगी। तब आपका शरीर अचानक ही 9.5 इंच की कैलिपर गोली बन जाएगा, जिसकी गति सुपरसोनिक गति से भी ज़्यादा है। जो लोग विमान में होंगे उनको पृथ्वी का मलबा तो नहीं लगेगा, लेकिन वे अचानक से आते हवा के तेज झोंकों से नहीं बच पाएंगे। जो लोग अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में होंगे उनके लिए बचने की संभावनाएँ हो सकती है, लेकिन पृथ्वी पर वापस अब आने के बाद उनके स्वागत के लिए कोई नहीं बचा होगा। पृथ्वी पर हर जगह तबाही मच जाएगी, चारों तरफ मलबा ही मलबा होगा। जो लोग ध्रुवीय प्रदेशों में होंगे वह शायद बच जाएंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। हवा के झोंके इतने तेज होंगे जितने परमाणु विस्फोट में पैदा होते हैं। दुनिया भर में एक बड़ा ही विशाल तूफान पैदा होगा। यह तूफान किसी भी मजबूत चीज को तबाह कर देगा। सूरज एक जगह पर स्थित दिखेगा, एक दिन 24 घंटे की जगह 365 दिन का हो जाएगा। घूमना बंद हो जाने के कारण पृथ्वी का रक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाएगा और पृथ्वी पर घातक मात्रा में सूरज का रेडिएशन हमला कर देगा। पृथ्वी के महासागरों में कई किलोमीटर जितनी ऊंची सुनामी लहरें पैदा होगी और सारे सूखे इलाकों को तबाह कर देगी। पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और कोई किसी भी तरह का मौसम नहीं रहेगा। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार और भी नए वीडियो बना सकें। थैंक यू।